नगर निगम की बोर्ड बैठक में वामपंथियों ने किया वॉकआउट। सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान वाम पार्षदों के साथ तृणमूल बोर्ड का विवाद शुरू हो गया। इसके चलते सीपीएम पार्षद नगर निगम की बोर्ड बैठक के बीच में ही छोड़कर निकल गए। बुधवार वार्ड नंबर 19 के सीपीएम पार्षद मौसमी हाजरा एक प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मातृत्व अवकाश की मांग का प्रस्ताव किया। हालांकि यह राज्य सरकार के निर्णय के अंतर्गत आता है। चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती व मेयर गौतम देव ने कहा, इसमें नगर निगम की कोई भूमिका नहीं है व प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद सीपीएम पार्षदों ने नगर पालिका की भूमिका को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बोर्ड बैठक के बीच में ही तृणमूल पार्षद सीपीएम पार्षदों से भिड़ गई। सीपीएम पार्षदों ने बोर्ड बैठक में वॉकआउट कर दिया। उधर बुधवार को बोर्ड बैठक में विपक्ष ने शहर में अवैध निर्माण और पेयजल की समस्या को लेकर सवाल उठाया।